नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 रुपए की सिक्के के उपाय की। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फिटकरी का एक उपाय। अगर किसी कारणवश आप उपाय नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज का जो उपाय मैं लेके आया हूँ वो उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है और इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, ये उपाय अगर आप विधि विधान के साथ कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्द इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, जिस जिसने भी इस उपाय को किया है उनकी किस्मत बदल गई है। दोस्तों, ये उपाय मैं खुद से नहीं दे रहा हूँ, मेरा आजमाया हुआ, खुद का आजमाया हुआ ये उपाय। दोस्तों, एक के सिक्के का उपाय आप सोच रहे होंगे कि एक का सिक्का ही क्यों यूज किया जा रहा है, तो पहले मैं आपको इसके बारे में समझा दूं। एक नंबर जो होता है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य जो है हर ग्रह में राजा होते हैं, सभी ग्रहों के ऊपर हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ग्रह परेशानी आ रही है, किसी ग्रह की वजह से धन का प्रवाह रुक गया है, धन नहीं आ पा रहा है, कोई ग्रह ऊंच का है, नीच का है, तो दोस्तों ये एक के सिक्के का उपाय आप करते हैं तो सारे ग्रहों को सूर्य कंट्रोल कर देते हैं। दोस्तों, बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही पावरफुल उपाय है। दोस्तों, आपको करना यह है, आपको एक का सिक्का लेना है या किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका टाइम जो रहेगा वो रात को करना है। आपको ये उपाय सोते वक्त करना है। दोस्तों, आपको सोते वक्त एक का सिक्का लेना है, सिक्का कुछ भी चलेगा। जब आप बिस्तर पर सोने जाने लगें, हाथ पैर अच्छे से साफ कर लें, साफ सुथरे होके इस उपाय को करें, तो दोस्तों एक का सिक्का आप लेंगे, हाथ में लेंगे, इस सिक्के को सीधे हाथ की हथेली में रखना है। दिशा आपको उत्तर ही रखनी है। उत्तर दिशा जो है कुबेर और माँ लक्ष्मी का, मतलब माँ लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। एक के सिक्के को आपको हाथ में रखना है। हाथ में रखने के बाद आपको उसे माथे से लगाना है। माथे से लगाने के बाद क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी का कांटा जिस दिशा में घूमता है उस दिशा में आपको सिक्के को अपने शरीर से 7 बार उतार लेना है। उतारने के बाद में उस सिक्के को आपको तकिए के नीचे रख के सो जाना है। दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, जब ये क्रिया आप कर रहे हो तो ना आप किसी से बात करेंगे और ना ही किसी को बताएंगे। अगर घर में परिवार में कोई साथ में आप रहते हैं तो उनको पहले से बता दें कि आप कुछ करने जा रहे हैं, कुछ क्रिया को टोटका करने जा रहे हैं, तो आपको डिस्टर्ब ना करें। दोस्तों, उस सिक्के को तकिए के नीचे रख के आप सो जाते हैं। उसके बाद में सुबह जल्दी उठ के उस सिक्के को ले जाके आप शमशान में फेंकें। दोस्तों, अगर आप शमशान नहीं जा सकते हैं तो उस सिक्के को ले जाके कोई ऐसी जगह, घर से दूर कहीं ऐसी जगह पे दफना दें जहाँ पे ज़्यादा कोई आता जाता ना हो। दोस्तों, ये क्रिया करके देखिए, आपको इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। धन से संबंधित कोई भी परेशानी है, आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही आजमाया हुआ टोटका है और ये टोटका प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है। प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने कहा है कि धन ही धन को खींचता है। और दोस्तों, कुछ टिप्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को आप अगर अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, धन स्वतः आपके पास आएगा। दोस्तों, पैसे की इज्जत करना सीखिए। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहला टोटका ये है। मैं आपको एक और दूसरा टोटका भी बता देता हूँ। एक का सिक्का लेके सूरज ढलने के बाद अगर आप किसी केले के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ की जड़ में एक सिक्का दफना के आ जाइए, ये भी अचूक उपाय है धन को अट्रैक्ट करने का। और दोस्तों, जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ पे गुलाब का इत्र जरूर रखें। हर महीने वहाँ पे एक रुई में गुलाब का इत्र लगा के वहाँ पे इत्र जरूर रखें, क्योंकि गुलाब की खुशबू से लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती है।
दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। आप और आपका परिवार खुश रहें, सुखी रहें, सम